मॉर्निंग मैम, तभी आवाज नहीं आ रही, जल्दी क्लास स्टार्ट हुई। नाउ आई हाँ जी मैम। अब ये ध्यान से समझो बेटे, देर आर टू टाइप ऑफ शुगर्स, देर आर टू टाइप ऑफ शुगर्स, वन इज रिड्यूसिंग एंड वन इज नॉन रिड्यूसिंग। यू विल डू इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बेटे, सर्टेन टेस्ट आर देयर लाइक टॉलर रिएजेंट टेस्ट, बैंडी टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। ठीक है, ये तीनों टेस्ट जो हैं वो एक रिड्यूसिंग शुगर देती है। अगर आपको तीनों टेस्ट, जैसे इन्होंने बैंडिड के बारे में लिखा, एग्जाम में टॉलन के बारे में भी लिख सकते हैं, एग्जाम में फेलिंग के बारे में भी लिख सकते हैं, ये तीनों टेस्ट एक रिड्यूसिंग शुगर देती है। ठीक है, अब रिड्यूसिंग शुगर क्यों देती है? क्योंकि बेटे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में। ठीक है, आपको ये तो पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, उसमें कीटोज है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है कि नहीं है? अब जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में, और ये जितने भी टॉलन है, बैंडिड है, फैलिंग है, इनको कर देते हैं रिड्यूस। टॉलन रिएजेंट जब डालते हो तो आपको सिल्वर मिरर मिलता है, आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं इसको। और जो बैंडिड है और फैलिंग है, इसमें आपको रेड पीपीटी मिलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के। आपको एग्जाम में किसी तरीके से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं कि क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड पीपीटी कौन सी शुगर देगी, तब भी आपका आंसर रिड्यूसिंग शुगर है। अगर आपके पेपर में आए सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देगा, तब भी रिड्यूसिंग शुगर है। समझ आई? या ये तीन टर्म, दैट इज टॉलन, फैलिंग और बैंडेड यूज करे तब भी रिड्यूसिंग शुगर है। समझ आ रही है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये टेस्ट नहीं देते। जनरली जो मोनोसेचराइड्स है वो सारे ही देते हैं, जो डाइसेचराइड्स हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है पर फिर भी आप देख लेना, जो डाइसेचराइड्स जिनके एल्डिहाइड और जो किटोनी ग्रुप है, अगर वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है। देखो, आई एम गिविंग यू हिंट, यू कैन राइट इट, कि आपने पढ़ने वक्त क्या पढ़ना है। जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है वो क्या है? वो नॉन रिड्यूसिंग है, जिनके एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है वो क्या है? एक रिड्यूसिंग। व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज? ये भी आ सकते हैं पेपर में, क्या होती है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज? जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, COC बन जाता है। समझ आई? ये एक तरह की ईथर लिंकेज है। ये देखो, समझ आ रही है? इसे कहेंगे ईथर ही होते हैं, ROR। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल में लिंकेज होती है, कोई भी मोनोसैचराइड्स में लिंकेज होती है और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। कार्बोहाइड्रेट में कौन सी लिंकेज है? ग्लाइकोसाइडिक। अगर आपको प्रोटीन में लिंकेज पूछी जाए तो कौन सी है? पेप्टाइड। पेप्टाइड वो कैसे बनती है? एक प्रोटीन का एसिडिक ग्रुप, ठीक, एक प्रोटीन का अमाइड ग्रुप, उसमें से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल। तो अमाइड क्या होता है? सी डबल बॉन्ड हो, एन एच बच गया, इसका एक एच निकल गया, एक एच बच गया। ये जो अमाइड है, ये अमाइड ग्रुप नहीं होता, इसी अमाइड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। समझ आ रही है? प्रोटीन में कौन सी लिंकेज होती है? पेप्टाइड लिंकेज।
और पेप्टाइड लिंकेज कुछ नहीं और अमाइड है। कार्बोहाइड्रेट में कौन सी लिंकेज है? ग्लाइकोसाइडिक। ग्लाइकोसाइडिक में कुछ नहीं है, वो एक ईथर की लिंकेज है। डाइसल्फाइड होती है बेटे, जो दो एस एस में होती है ऐसे, जिस जिस ग्रुप में सल्फर होता है ना उसे डाइसल्फाइड लिंकेज कहते हैं। दो सल्फर जितने भी लिंकेज होती है आयन डाइपोल, ये डाइसल्फाइड लिंकेज। जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं तब बननी शुरू होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये सीधी सीधी अरेंज है। जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आएंगी अल्फा हेलिक्स या बीटा ब्लेटेड, फिर उसके बाद आगे आपको टर्शरी में जाएंगे, ये लिंकेज बननी शुरू हो जाएंगी। समझ आ रही है? सीधे सीधे आपको जो फर्स्ट लिंकेज है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, वो आपको अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बताते हैं। समझ आ गई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एल्डोपेंटोज डी राइबोस ग्लिसरल्डिहाइड फ्रक्टोज एंड इरिथ्रोज, दैट इज डी राइबोस। अब नाउस्ट वन, मैं थोड़े रिएक्शन बेस करवाऊंगा। एल्डो पेंटोज कौन है? पांच कार्बन किसके पास है? राइबोस ग्लिसरल्डिहाइड फ्रक्टोज एंड इरिथ्रोज। अब मैं थोड़ी रिएक्शन बेस करवा रही हूं बेटे आपको। यू हैव ग्लूकोज, this is being reacted with this, they are asking you this Z now. The option they are giving you, 2-idopentane, pentane 2-ol, 2-idohexane and heptanoic acid. See bete, this is glucose. ये एल डी आई डी ग्रुप है। इस ग्लूकोज को आप प्रूव करने के लिए आपने एक इसका एल डी आई डी ग्रुप प्रूव करना होता है, एक आपने इसके पांच ओ एच प्रूव करने होते हैं, और एक आपने इसकी छह कार्बन प्रूव करने होते हैं। ठीक है, सिक्स कार्बन प्रूव करने के लिए आप एच आई और रेड फॉस्फरस के साथ रिएक्ट करते हो। ठीक है, ग्लूकोज को जब एच आई और रेड फॉस्फोरस से रिएक्ट किया जाता है तो आपको हेक्सेन मिलती है। क्या मिलती है? हेक्सेन। जैसे कि एच आई डाली हुई है तो इससे हमें हेक्सेन मिलेगी कहीं। ठीक है, इससे हेक्सेन मिलती है। पहली बात ये याद रखो, क्योंकि ये भी एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि अगर एच आई डाला है तो क्या प्रूव करने के लिए डाला है, या एच आई डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो हेक्सेन मिलेगा। ठीक, दूसरा सेकंड थिंग आपने क्या याद करनी है कि आपने ये 5OH ग्रुप प्रूव करने के लिए आपने क्या करना होता है। 5OH ग्रुप है, आपने इसको एसिडिक एनहाइड्रेट के साथ ट्रीट करना होता है। आपको ने एसिडिक एनहाइड्रेट, क्या होती है एसिडिक एनहाइड्रेट? जो दो एसिड को मिलके बनी है। ये देखो, अगर मैं इसको खोल दूं तो ये स्ट्रक्चर है इसका। अब ये बना कैसे? अगर यहां पे मैं एसिडिक एसिड लगा दूं, इसको खोल लूं,
ये 2 moles ऑफ एसिडिक एसिड है, इसमें से वाटर निकाल दो और इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो बन गई CH3CO2। एनहाइड्रेट का मीनिंग होता है जिसमें से वाटर बाहर निकला, एनहाइड्रस। एसिडिक एनहाइड्रेट मींस एसिड से वाटर बाहर निकला हुआ। अब जब एसिडिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करते हो बेटे, ये सेम रिएक्ट करती है जैसे कि एक एसिड अल्कोहल के साथ। अब एक एसिड अल्कोहल के साथ क्या देता है, एस्टर। समझ आ रही है? अब आपके पास कितने अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं? 5 हैं। अब अगर आप एसिडिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करोगे तो 5 पोजीशन पे एस्टर लगने चाहिए, क्योंकि आप एसिडिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट कर रहे हो। अब ये एसिडिक एनहाइड्रेट 2 एसिड को मिलके बनी हुई है, इसमें से एक मॉलिक्यूल ने तो एस्टर बना देना और एक एसिडिक एसिड बन के बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, CHO और पेंटा एसिडेट। अब पेंटा एसिडेट कैसे बनाओगे, यहां से OH निकलेगा, यहां से H, यहां से OH, यहां से H, तो आपके पास बाकी क्या बचा, O C डबल बॉन्ड O CH3। ये एक एस्टर लिंकेज है, ध्यान से देखो एस्टर क्या होता है, R C O O R। तो कितनी एस्टर लिंकेज बनेगी, 5, क्योंकि 5 OH है। कितनी एस्टर लिंकेज बनेंगी, 5। तो इससे आप क्या प्रूव करोगे कि ग्लूकोज में कितने अल्कोहल हैं, 5। तो मीन ग्लूकोज में आपको 5 अल्कोहल प्रूव कर दिए। एन हेक्सेन बनाने से आपने 6 कार्बन प्रूव करे, 6 कार्बन प्रूव हो गए, 5 OH प्रूव हो गए। अब हमारे पास क्या प्रूव करना, मतलब LDI, क्या प्रूव करना बचा, LDI। LDI के साथ एक तो HCN एक्ट करता है, एक 2,4-DNP रिएक्ट करता है। HCN वाली रिएक्शन जरूर पूछी जाती है पेपर में, अब ये कैसे रिएक्ट करता है। और क्या हमने प्रूव करना होता है कि ये 5 OH से बेटे 1 OH प्राइमरी है, बाकी सारे बीच में है, 5 OH से 1 प्राइमरी है। समझ आ रही है? अब ये कैसे प्रूव करते हो, ये HCN वाली तो मैंने अभी कर ही देनी थी, बोर्ड पे है। इसको प्रूव करने के लिए अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे, माइल्ड, तब सिर्फ CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा COH में, क्योंकि LDI की ऑक्सीडेशन से आपको एसिड मिलेगा। समझ आ गई? अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे तो आपकी प्राइमरी अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो जाती है, मतलब यहां पे भी COH लग जाएगा, यहां पे भी COH लग जाएगा। गॉट इट? तो आपने क्या क्या प्रूव करना होता है कि ये स्ट्रेट 6 कार्बन की चेन है जो HI प्रूव करवाती है, इसमें 5 OH है जो एसिडिक एनहाइड्राइड प्रूव करवाएगा, इसमें से एक अल्कोहल प्राइमरी है बाकी सेकेंडरी है, ये कैसे प्रूव करोगे? पहले आप इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ LDI ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, जब आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग डालोगे तो प्राइमरी अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बाकी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। ये हमने पहले माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों डालना, क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक ग्रुप LDI का, अगर हम पहले ही स्ट्रॉन्ग डाल देंगे तो क्या होगा, दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक LDI है और एक अल्कोहल है। समझ आ रही है? अब ये रिएक्शन देखो बेटे, ग्लूकोज HCN के साथ, यू हैव ग्लूकोज
सीएन के साथ एक्ट किया, ये बेटे एल्डिहाइड ग्रुप को प्रूव करता है। इसमें क्या होता है, सीएन यहां पे आके अटैक करेगा, ओएच ओ यहां जाएगा, तो ये जो यहां बनेगा दैट इज कॉल्ड साइनोहाइड्रीन। इसे बोलते हो बेटे साइनोहाइड्रीन। तो मींस आपका एक्स कंपाउंड